Yo, what's up guys, Sean Gamer here, my name is Franklin, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, today's episode is very interesting, please video ko aap logon ne end tak zarur tak dekhna hai. Aaj guys yahan par jo mausam hai wo kafi zyada shandar aur ekdam clear and clean hai, aur guys garmi bhi kafi zyada ho rahi hai, to jiske karan abhi main thodi bahut baat lunga yahan par swimming pool pe. Aur yahan par dosto abhi time ho raha hai 15:30 mein hamari jo hai delivery ka time ho gaya hai, yani ki guys aaj hum log ek bahut hi sahi car ki delivery lene ja rahe hain, wo bhi premium motor deluxe sports pe. Usse pehle ho jaye ek badhiya si dive, to jaise ki aap log yahan pe dekh pa rahe ho काफी खतरनाक डाइव हम लोगों ने यहां पे मार दी है. और गाइस आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताना किन-किन के पास भाई यहां पर जो है अपने घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल है, सच बताना ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना. जो कि दोस्तों फ्रैंकलिन का तो काफी ज्यादा बढ़िया, जल्दी से ड्रेस चेंज करके आप लोगों को मिलता हूं. तो फाइनली गाइस हम लोगों ने ड्रेस को जो है चेंज कर लिया है, ठीक है. अब बाकी दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पर, और वहां पर जाके दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत ही सही कार को बाय कर लिया है, और वो कार को दोस्तों मैंने ऑलरेडी पेमेंट भी कर दी है. सीमियन भी काफी ज्यादा खुश है मेरे से कि भाई उसने बोला है कि भाई ठीक है, हां तुम वाली कार जो है ले सकते हो. कार का जो कलर है गाइस वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डुअल शॉक बूस्ट है उसमें गाइस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार है, और लॉस फंडोस में बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है. तो वो वाली कार की हम लोग डिलीवरी लेने जा रहे हैं, और वही हमारी दोस्तों कल से फ्रैंकलिन की कार होगी, ठीक है. अभी दोस्तों हम लोगों ने जो है माइकल को पिछला एपिसोड में मार दिया था उसकी मैरिज नाइट में, जब गाइस वो लोग अपनी मैरिज नाइट बना रहे थे अपनी नई वाइफ के साथ, तो वाइफ को भी गाइस हम लोगों ने किल कर दिया था, और उसके साथ-साथ माइकल को भी किल कर दिया था. अब गाइस यहां से तो मैं आप लोगों को जो शॉट आउट देने वाला था, अब गाइस वो लड़की ही नहीं बची, तो शॉट आउट फिर नहीं दे पाया मैं आप लोगों को. अगर कभी भी वो रिस्पॉन होती है तो डायरेक्ट गाइस मैं आप लोगों को जो है शॉट आउट दे दूंगा उस लड़की का, क्या नाम हम लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि बार-बार लड़की करना ठीक ज्यादा मेरे को नहीं लगता, किसी का नेम से बुलाओ वो ज्यादा मेरे को बेटर लगता है. तो अभी गाइस फाइनली आप लोगों से बातें करते-करते मैं पहुंच चुका हूं यहां पे प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पर. यहां पे दोस्तों अपनी स्टाइल में ही दोस्तों फ्रैंकलिन जो है कार को मतलब बाइक जो है ट्रॉन बाइक उसको हम पार्क करेंगे, ये ग्रीन ग्लाइडर करके. अरे भाई ये कुछ लगता है यहां पे बातें चल रही हैं. तो यहां पर दोस्तों सीमियन मेरे को पहले ही बोल रहा था कि भाई एक बंदा है जो तुम्हारी कार को पहले से ही लेना चाह रहा है. तो गाइस ये वाला जो बंदा है वो बॉडी बिल्डर माफिया है, जैसे कि आप लोग यहां पे चेक आउट कर पा रहे हो, ये रहा गाइस वो बॉडी बिल्डर माफिया. और यहां पर ये बोल रहा है बैठ लेके भाई ये कार मुझे चाहिए, लेकिन सीमियन बोल रहा है कि भाई ऑलरेडी ये वाली जो कार है वो बुक हो चुकी है. कार आप लोग देख सकते हो बाड़ में जा भाई अंडर बॉडी बिल्डर माफिया, भाई मैं ही लेके जाऊंगा. लेकिन गाइस ये क्या भाई, सीमियन भी अब बोल रहा है कि भाई तुम प्लीज जो है ये वाली कार को छोड़ दो, घंटा छोड़ दो यार, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो भाई इसको मारूंगा, चल निकल यहां से, निकल बेटा ये मेरी कार है, और भाई अगर तेरे को एक भी पंगे लेने हैं तो आ जा भाई मेरे साथ, क्योंकि भाई ये वाला जो माफिया है ना काफी ज्यादा भयंकर है. ओ भयंकर, ये तो हथौड़ा लेके मुझे मारने लग गया, तेरी साले निकल यहां से, एक बैट बेटा थूत पे मार दिया ना, निकल जाएगा यहां से अभी. तो यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये बॉडी बिल्डर माफिया है वो काफी ज्यादा पागल टाइप हो गया, क्या भाई मैंने इसकी डिलीवरी, और तू सीमियन तू भी निकल यहां से, मैं भाई पहले ही पेमेंट कर चुका हूं यार इसकी, और एक तरह से ये बंदा मेरे को जाने नहीं दे रहा, मैं तो भाई निकल रहा हूं यहां से, चलो भाई निकलते हैं. ओ भयंकर, ओ तेरी अबे यार हद हो गई भाई, इतनी ज्यादा तेरी जरूरत है भाई, तू मुझे नीचे फेंक रहा है, मैंने भाई इसके पैसे पेड कर दिए हैं, मैं तुझे क्यों दूं ये वाली कार. लेकिन गाइस ये बंदा जो है मानने को तैयार ही नहीं है, आप लोग यहां पे देख पा रहे हो. तो गाइस अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यहां पर गाइस एक डील रख लेते हैं. तो भाई ये मुझे डील रखने के लिए बोल ही रहा है जब से, क्या डील है मुझे नहीं समझ में आ रहा है. तो जल्दी से गाइस अभी मैं इसके धमक तो बहुत तेज से मारूंगा, सबसे पहले आप लोग यहां पे देख पा रहे हो अभी जब 1 बजे ओ भयंकर बच रहा था कि भाई इसको मैंने फाइनली जो है किल कर दिया है. तो ओके गाइस हमारी जो है डील की बात हो चुकी है, इसने मेरे से डील किया है, इसने बोला है कि भाई मेरे पास जो है काफी खतरनाक मतलब जो बोलते हैं ना एकदम अग्रेसिव ब्रीड के मेरे पास कुछ काफी डॉग्स हैं, अगर तुम उससे फाइट में जीत गए तो भाई हमें जो है कार वाले मिल जाएगी, ठीक है. अब देखो भाई पैसे भी मैंने दिए, मतलब अब इसके कारण हुआ भाई सीमियन के, इसको तो गंजे में ही मारना चाहिए. तो यहां पे बात ऐसी है गाइस कि हम लोगों ने पैसे भी खुद दिए, हम लोगों ने सब कुछ खुद किया, लेकिन गाइस अब हमें फाइट करके ये वाली कार को लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो बॉडी बिल्डर माफिया है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी गाइस उसे काफी ज्यादा गंदा ठोकेंगे. तो यहां पर मैं अपने 5 डॉग्स आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव होंगे और काफी ज्यादा बढ़िया होंगे. ये रही वो कार डबल शॉक डुअल शॉक वाली. तो यहां पर गाइस अभी तो उसने मेरे को ये वाली कार को ले जाने दिया, उसने बोला कि तुम ये वाली कार को ले जा सकते हो. तब तक गाइस आप लोगों डॉग्स दिखाने के लिए मैं लेमार को बोल देता हूं ताकि वो अपनी जो न्यू हमारा जो हाउस था वहां से गाइस वो जो है पहले ऑलरेडी लाके रख दे. तो जल्दी से मैं लेमार से बात कर लेता हूं.
तो ओके गाइस, फाइनली मेरी जो है लेमार से बात हो चुकी है। अब मैं ये वाली कार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ में भगाते भगाते आगे लेके जा रहा हूँ और इसको मैं पार्क कर दूंगा अपने घर पर। वहीं पर दोस्तों शाम होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि गाइस मुझे अभी लेस्टर से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मेरे को बॉडी बिल्डर माफिया से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, कौन सी ब्रीड के डॉग्स हैं उसके पास, ये सब मेरे को लेस्टर से पता करके मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है शाम को मिलता हूँ गाइस अपने घर पर। क्योंकि मुझे जो है शाम तो हो ही जाएगी, क्योंकि अभी दोस्तों जो है यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं और 5 भी बहुत जल्दी बच जाएंगे लॉस सेंटोस में। तो गाइस उसके पास कौन सी ब्रीड होगी, कौन से डॉग की ब्रीड होगी, वो वाला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। और गाइस जबरदस्त फाइट होगी 5 डॉग्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों उसने बोला है 1 फीमेल मस्ट है, तो देखते हैं भाई। एक फीमेल हमारे पास डॉग पहले से पड़ी हुई है, चॉप की गर्लफ्रेंड। चॉप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, चॉप की गर्लफ्रेंड की भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारे पास 5 डॉग्स हो जाएंगे लड़ने के लिए, तभी जाके दोस्तों हमारी जो ये कार है वो हमें मिल पाएगी। तो हमें ये हो जाएगा फाइट्स फॉर कार, हम मतलब हमारी जो सुपर कार है उसके लिए हम लोग दोस्तों जो यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो आते आते हम लोग को गाइस आप लोग देख पा रहे हो शाम हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर डॉग्स पहले से आ चुके होंगे तो भाई वो एक बार में मुझे देखते आ जाएंगे, क्योंकि भाई मैं उनका ओनर हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे डॉग्स, और मुझे भी गाइस पेट्स काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हाइलाइटर कलर की जैकेट्स भी हैं, हाइलाइटर कलर की कार भी है। तो जैसे कि आप लोग फाइनली देख पा रहे हो ये सब गाइस यहीं पर ही थे, और ये रहे गाइस वो हमारे डॉग्स प्यारे प्यारे। सबसे पहला है हस्की, साथ में दोस्तों डेविल, डेविल के साथ साथ में दोस्तों स्कूबी जिसका हम लोगों ने नाम रखा था, और साथ में दोस्तों एक और हमारे पास डॉग है वो है हमारा अल्टीमेट डॉग चॉप, ठीक है। तो ये हमारे 5 डॉग हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं गाइस, और यही है दोस्तों 5 फ्रैंकलिन के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डॉग, सीक्रेट डॉग्स हैं गाइस ये लोग, किसी को और को नहीं पता होगा। सबको यही लगता होगा कि भाई चॉप फ्रैंकलिन के पास सिर्फ एक ही कुत्ता है जो कि ना चॉप। तो यहाँ पर गाइस और ज़्यादा रात हो गई है, और ये क्या गाइस बेलास के ओजी मेंबर्स इनको मारने आ गए। लेकिन गाइस आप लोग भाई ये क्या फीमेल गाइस मेंबर भी आ गए। अब देखो भाई एक ही बात हो सकती है, मैं तो भाई इन्हें आराम से गन से अभी भून सकता हूँ, जैसे हिसाब से मेरे डॉग्स को मार रहे हैं ना वैसे मैं भून सकता हूँ इन्हें आराम से। लेकिन भाई मुझे अपने डॉग्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, जिसके कारण मैं तो भाई ऊपर की सीट पकड़ूंगा और आराम से नज़ारे देखूंगा। ये 5 के 5 डॉग्स अकेले दोस्तों जो है मेरे सारे के सारे बेलास गैंग्स के मेंबर्स को, फीमेल मेंबर्स को भी मार सकते हैं इजीली। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो गाइस, ये देखो भाई डेविल तो भाई अकेले एक लड़की को उसने अकेले संभाल लिया है, और यहाँ पर दोस्तों चॉप भी कुछ कम नहीं है। ये देखो गाइस अकेले भाई उसका लगता है गुर्दा उर्दा सब फाड़ देगा, और यहाँ पर दोस्तों ओ भयंकर स्कूबी भी कुछ कम नहीं है, स्कूबी भी आई ये देखो गाइस ने मार दिया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ये 5 डॉग्स की नेक्स्ट वीडियो में फाइट होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो। नेक्स्ट वाला एपिसोड में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाले, कौन से ब्रीड्स के डॉग लाता है बॉडी बिल्डर माफिया वो भी देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लव यू ऑल।